शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान 25 जनवरी को रिलीज हो रही है और रिलीज के पहले ही इस फिल्म का विरोध भी किया जा रहा है। कई हिंदू संगठनों ने और कई लोगों ने इस फिल्म का विरोध किया है। लोगों का कहना है कि इस फिल्म का गाना बेशरम रंग में दीपिका पादुकोण ने एक गेरुआ रंग का बिकनी पहना है और इसी बिकनी को लेकर ये विवाद है। लोगों का कहना है कि ये बिकनी हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुँचाता है, जिसको लेकर ये विरोध किया जा रहा है। वहीं इस फिल्म को कई लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये फिल्म देखने ज़रूर जाएंगे। बहरहाल जो भी हो, लेकिन ये फिल्म 25 जनवरी को रिलीज़ हो रही है। 25 जनवरी को जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित PJP सिनेपॉल में ये फिल्म लग रही है और इस फिल्म की एडवांस बुकिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। पहले दिन की अगर बात करें तो 50% से ज़्यादा की एडवांस बुकिंग इस फिल्म की हो चुकी है और ये फिल्म बिष्टुपुर के PJP सिनेपॉल में रिलीज़ हो रही है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी ब्रह्मास्त्र एक फिल्म आई थी, उसका भी विरोध किया गया था, लेकिन ब्रह्मास्त्र ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि पठान का कैसा प्रदर्शन रहता है। पठान 25 जनवरी को रिलीज़ हो रही है। झारखंड टाइम्स से मैं हूँ शहजादा खान, अपने सहयोगी अरिंदम रॉय के साथ। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।